रविवार के दिन दीपावली पर्व को मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड मल्टी ऑपरेशन चलाने में बिजी था। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल सुबह एक निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा टूट गया, जिसके बाद से टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए रात भर मल्टी एजेंसी ऑपरेशन चलाया गया। वही आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा में ब्रह्मकाल और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन सुरंग कल सुबह लगभग 5 बजे ढह गई, जिससे टनल के अंदर काम कर रहे 40 कर्मचारी अंदर फंस गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित सिलकियारा सुरंग में हुए भूमि धसाव का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और कल से चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने सिलकियारा पहुंच गए। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा, देखिए जब से घटना हुई है तब से लगातार हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, NDRF की टीम, STRF की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। 24 घंटे से टनल में फंसे मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य आपदा राहत बल यानी कि SDRF और पुलिस द्वारा राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा। फिलहाल 24 घंटे का समय हो गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 15 से 20 मीटर तक मलबा बाहर निकल गया। मजदूरों को पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही। अब तक लगभग 20 मीटर स्लैब हटाया गया। वही आपको बता दें कि सभी 40 मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन और आपूर्ति की जा रही है। टनल में फंसे हुए मजदूरों को पानी और खाने पीने की चीजें भी भेजी जा रही हैं। टनल का ढहा हुआ हिस्सा प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और टनल को खोलने के लिए अब तक लगभग 20 मीटर स्लैब को हटाया जा चुका है। बचाव टीम उत्खननकर्ताओं और अन्य भारी मशीनों का उपयोग कर मलबा हटा रहे हैं। बता दें कि इस टनल का उद्देश्य सिलकियारा को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दंदल गांव में जोड़ना था। इसे चार धाम सड़क परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और इसका लक्ष्य उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम तक की यात्रा को 26 किलोमीटर कम करना है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद से वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। एजेंसियां मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ईश्वर से ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग सकुशल टनल से बाहर आ जाएं।